संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज चरखी दादरी के मोरवाला टोल जो कि दादरी दिल्ली रोड पर पड़ता है यहां पर किसानों के समर्थन में टोल को बंद कर दिया है। बंद करने के साथ साथ धरना दिया जा रहा है और विशेषकर यहां पर जो किसानों संगठन है जो उसके अलावा यहाँ पर पंचायत खापों के पदाधिकारी पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मोरवाला जो टोल है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। खासकर यहाँ पर महिलाओं की संख्या है वो भी अच्छी खास तशद्दुद कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र पे सरकार हमला कर रही है, अपनी बात कहने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियों से ये लिया है, मगर जो हरियाणा सरकार की ने जो पुलिस ने जो जाति की किसानों के ऊपर, चाहे दिल्ली के लिए किसान जा रहे थे, दिल्ली किसानों की हमारी राजधानी है, कोई आदमी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जा सकता है, मगर जिस तरह बड़ी बड़ी दीवारें करके किसानों को रोका गया, हमारा संगठन इसकी निंदा करता है और किसानों के पक्ष में पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ हमने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कल 16 फरवरी को हरियाणा के सभी टोल 12 से लेकर 3 बजे तक फ्री करेंगे पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ, और साथ ही साथ जो पुलिस है वो हमारे फ़ोन टेप कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है और पुलिस दहशत का माहौल बना रही है। इंटरनेट बंद किया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर में किया था। गिरफ्तारियां का यदि पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की किसानों की, पुलिस ने अपनी ये कार्रवाई ना रोकी तो अगला फैसला हमने हरियाणा के को जाम करने का लिया है। यदि पुलिस ने कार्रवाई ना रोकी तो पूर्ण रूप से हरियाणा को जाम करेंगे। तो साथ ही साथ दिल्ली जाने की भी तैयारियां हमारी पूरी है। एसकेएम जिसके नेतृत्व में हमने दिल्ली का आंदोलन लड़ा था, यदि एसकेएम आह्वान करेगा तो हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसकी हमारी यहाँ पूरी तैयारी है। मगर हम एसकेएम की कॉल का इंतजार कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा संगठन है वो एसकेएम के साथ है, मगर जो किसानों के ऊपर पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उसकी हम किसानों के हक में भी हैं और जो मांगे हैं उनकी वो बिल्कुल वाजिब है, वो मांग हमारी भी है, बिल्कुल जायज़ मांग है किसानों की, हमें MSP मिलना चाहिए, मगर सरकार जो है पुलिस और के बल पर, गोली के बल पर किसानों की आवाज़ दबाना चाह रही है। ये फैसले हमने किए और 16 को जो भारत बंद है उसका भी समर्थन करते हैं। कल की रूपरेखा के बारे में बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल को पूरे भारत में ग्रामीण बंद का आह्वान किया गया है। इस कड़ी में हमने फैसला लिया है कि पक्का मोर्चा पर 10 से 3 बजे तक यहाँ हम बंद करेंगे। कनड़ी में बंद करेंगे, समैन में बंद करेंगे, बलियाला में बंद करेंगे, डांगरा में बंद करेंगे, जमालपुर रोड पर जमालपुर गांव में बंद करेंगे। और जो मुनक रोड है वैसे तो सरकार ने वो पहले ही बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी हम पुल के पास ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक यूनियन वाले उसको वहाँ बंद करेंगे। और लगभग सभी गाँवों में आह्वान कर दिया है, संदेश दे दिया है कि पूरे ग्रामीण बंद को ग्रामीण बंद करें। और सभी लोगों से हम ये अनुरोध भी करते हैं कि आवश्यक कार्य के बगैर बाहर ना जाएं। किन किन संगठनों का सहयोग रहेगा इसमें? हरियाणा के लगभग सभी संगठन संयुक्त मोर्चा से जो संबंधित हैं सभी का हमारे को समर्थन है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बंद कर रहे हो, शहरी क्षेत्र में भी कुछ रहेगा आपका? नहीं, शहर के चारों ओर जो गाँव है, जो 5 किलोमीटर में या पहला गाँव है, उन गाँवों में सड़कें जाम की जाएंगी। क्या ये हरियाणा स्तर पर है या बड़े स्तर पर होगा? नहीं, ये पूरे भारत बंद का आह्वान है, ग्रामीण बंद का आह्वान है। किस मांग को लेकर कर रहे हैं अभी ये? हमारी जो आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने हमें MSP C2+50 का वादा किया था, बिजली विधेयक बिल 2020 का को किसानों को बाहर रखने का वादा किया गया था, और पराली जो प्रदूषण में भी किसानों को पराली जलाने से केस में बाहर रखने का वादा किया था, लेकिन आज तक सरकार ने कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की है। इसको उनको पूरे करवाने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 तारीख को बंद का आह्वान किया है।